हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। यस गाइस, ये आलू के पराठे, मैं कुछ टिप और सीक्रेट चीज़ बताऊंगी जिससे आपके आलू के पराठों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसे बेलने का भी तरीका बताऊंगी जिसमें कि आपके आलू के पराठे फटे ना और बहुत अच्छे से बेलकर तैयार हो जाएँ। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट दिया है। कुछ मसाले लेंगे जैसे कि जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कस्तूरी मेथी। यस गाइस, मैं इसी सीक्रेट की बात कर रही थी, हम इसमें आलू के मसाले में कस्तूरी मेथी भी डालेंगे। और पराठे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है आधी कटोरी। आप कस्तूरी मेथी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आलूओं को अच्छे से छील लेती हूँ, यानी चाकू की मदद से। आप चाहे तो हाथ से भी इसे अच्छे से छील सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने सारे आलूओं को छील लिया है। अब मैं इस तरीके की ग्रेटर के हेल्प से सारे आलूओं को ग्रेट कर दूंगी। आप चाहें तो अपने हाथों से या फिर पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे सारे आलू जो हैं मैंने ग्रेट कर लिए हैं, और बस अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है, बस 2 चम्मच तेल ही डालना है, और गैस का फ्लेम ऑन करके हम तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से भूंज लेंगे, और इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई प्याज, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी उसे मैं इसमें डाल दूंगी। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूंजना है, यानी ब्राउन होने तक नहीं भूंजना है, बस थोड़ा सा ही भूंजना है ट्रांसलूसेंट होने तक, यानी थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमें इसे भूंजना है। तो हम इसे 1 मिनट तक ढककर पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गए हैं और मेरी जो प्याज है वो अच्छे से भूंजकर तैयार। बस हमें प्याज को इसी तरीके से भूंजना है, ज़्यादा नहीं भूंजना है। बस अब मैं इसमें जो हमारे सूखे मसाले हमने लिए थे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आलू डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और बस इसे भी हमें 1 मिनट तक अच्छे से भूंज लेना है। इसे भी आप ढककर 1 मिनट तक भूंज लीजिएगा। देखिए, थोड़ी ही देर में हमारे मसाले अच्छे से भूंजकर और आलू अच्छे से भूंजकर तैयार हो गया। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। इसे स्किप मत कीजिएगा गाइस, इसे ज़रूर डालिएगा। इसे डालने से पराठे का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। तो सारे मसाले मेरे भूंज के तैयार हो गए, मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। अब हम पराठे बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने इस तरीके के बर्तन में 2 कटोरी आटा डाला है, लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच तेल और ज़रा सा नमक। नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब हम आलू का मसाला बना रहे थे तो उसमें भी हमने नमक डाला था। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब तेल और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं लगाते हैं, या फिर आप जैसे पराठे बनाते हो ना उस तरीके का, पूड़ी की तरह सख्त आटा बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आटा हमारा गूंध गया है, इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी और 1 मिनट तक इसे और भी गूंध लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद हमारा आटा अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया था वो अब ठंडा हो गया, तो उसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने से होगा क्या, जब हम पराठे बेलेंगे तो ईज़िली हम एक एक उठा के उसमें फिल करने में हमें आसानी होती है। तो जितना भी आलू का मसाला है मैं उससे बॉल बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैंने आधा आटा लिया है, जो हमने आटा गूंधा था उसका थोड़ा सा पार्ट लिया है, और इसमें से मैं लोई तोड़ लूँगी, यानी कि दो बॉल बना लूँगी। अब मैं एक लोई लूँगी, उसके मैं 2 पार्ट करूँगी। इससे होगा क्या, हमारे पराठे बहुत अच्छे से बिलकर तैयार हो जाएंगे और वो फटेंगे भी नहीं। तो दो तरीके से, देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा तरीका है, हम इस तरीके के भी आलू पराठे बना सकते हैं। मैंने 2 टुकड़े किए, 1 लोई के, और दोनों के मैंने पेड़े बनाकर इसमें सूखा आटा लगा दिया। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी। हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा ज़ोर से मत बेलिएगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे। और ये देखिए, सूखा आटा लगाने के कारण ये बहुत ईजिली निकल आया। अब एक पार्ट में मैं लगा दूँगी ज़रा सा तेल, जिससे हम पराठे सेकेंगे उसी तेल को हमें लगाना है। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं।
तो तेल लगाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दूंगी, और जो हमने मसाले की बॉल बनाई थी उसे हम एक लेकर इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे, और जो हमने दूसरी पूड़ी जैसी बना के रखी थी ना उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे, और अच्छे से हम चारों तरफ से इसे चिपका लेंगे ताकि मसाले बाहर ना निकले और अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, ऐसे में एक और आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने एक लोई के दो टुकड़े किए, आटा लगाकर उसे हल्के हाथों से बेल लिया, और दोनों को अलग करने के बाद एक में मैं तेल लगा लूँगी। सूखा आटा हम थोड़ा सा इसमें छिड़क लेंगे, और जो हमने मसाले की बॉल बनाई है आलू की उसे रख के अच्छे से फैला लेंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा और डालेंगे, और जो हमने दूसरी पूड़ी बनाई है उसके ऊपर हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं सब बना के रख लेती हूँ। इससे होगा क्या, बहुत आसानी होती है पराठे बेलने में। ये मैंने सब बना कर रख लिए हैं फिल करके आलू। बस अब एक ये देखिए फ्रेंड्स, हम कितने अच्छे से बेल सकते हैं, और ये फटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे से बेल जाते हैं, और आलू का मसाला भी बाहर नहीं निकलता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आपके आलू के पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, फटेंगे भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। मैंने वही मसाले भरे एक लोई को लिया, और बस इसे हल्के हाथों से सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बेल जा रहा है, आलू का मसाला बाहर भी नहीं आ रहा है और ना ही रोलिंग बोर्ड में और रोलिंग पिन में लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारे पराठे बेलकर तैयार हो गए। ऐसे ही मैं सारे पराठे बेलकर रख लूँगी, और उसके बाद अब हम पराठे सेक लेते हैं। तो मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है, आप चाहे तो आयरन का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉन स्टिक ले रही हूँ। तवे को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं, और उसमें हम एक पराठा डाल देंगे। एक साइड से हमें अच्छे से सिक जाने देना है, उसके बाद ही हम पराठे को टर्न करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे का ऊपर से कलर हल्का हल्का चेंज सा लग रहा है ना, यानी कि नीचे से वो पकने लगा है। देखिए दूसरी तरफ ये ब्राउन ब्राउन से डॉट्स दिख रहे होंगे, यानी कि चित्तियाँ पड़ जाती हैं। बस अब इस तरफ हम तेल लगा लेंगे और पराठे को टर्न कर देंगे एक स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा पकने लगा है। इस तरफ भी हम तेल अच्छे से लगा देंगे। तेल आप अच्छे से लगाइएगा, तेल लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, नहीं तो पराठे सूखे सूखे से लगते हैं। चाहे तो आप इसे घी से भी बना सकते हैं। बस दोनों तरफ से हमें अच्छे से पलट के सेक लेना है, और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें से ना ही आलू बाहर निकला और पराठे भी अच्छे गोल दिखने लगे। मैं इस तरीके की कटोरी के ऊपर रख देती हूँ। अब हम अपना दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे पराठे सेक लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो गए, लग रहे ना बहुत अच्छे। अब आप इसे चाहे तो चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं नए वीडियोस डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।